कुत्ता या कोई जंगली जानवर काटने से आपको रेबीज हो सकता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन रेबीज से बचने के लिए जो रेबीज के वैक्सीन है वो कितने लेने हैं क्या आप जानते हैं? 5, 4, 3 बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और बाकी कई सवाल है रेबीज के बारे में। काफी लोग पूछते हैं कि पेट डॉग, घर का कुत्ता जो वैक्सीनेटेड है, वो काटता है तो मुझे रेबीज के वैक्सीन लेने पड़ेंगे कि नहीं। ये सभी रेबीज के बारे में जो सवाल आपके माइंड में है, आज हम इस सब की जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेबीज का वायरस अगर आपकी बॉडी में चला जाता है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। रेबीज का ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में आज तक अभी तक नहीं मिला है। रेबीज से बचना बहुत जरूरी है। और रेबीज कैसे होता है? कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से, या तो कोई जंगली जानवर जैसे बंदर या कोई और जंगल का जानवर काटने से होता है। ज्यादातर केसेस में ये कुत्ता काटने से ही हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आपको क्या करना है अगर आपको कोई कुत्ता काट लेता है तो? जो रेबीज का वैक्सीन है वो कैसे लेना है, कब लेना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानना है कि एग्जैक्टली क्या डोज और कैसे लेना है। कुछ समय पहले तक रेबीज के 5 इंजेक्शन का डोज था, मतलब जिस दिन कुत्ता काटा है उस दिन आपको रेबीज का पहला वैक्सीन लगता था, बाद में 3rd दिन, 7th दिन, 14th डे, 14th दिन और 28th दिन पे। लेकिन अब ये शेड्यूल थोड़ा बदली हो गया है और 5 के 4 हो गए हैं। सो आज की तारीख में अगर आपको कुत्ता काटता है तो आपको 4 रेबीज के वैक्सीन लगेंगे। और उसका शेड्यूल ये रहेगा कि जिस दिन कुत्ता काटा है उस दिन आपको पहला डोज लगेगा, उसके बाद 3rd दिन, 7th दिन और 14th दिन, ऐसे आपको टोटल 4 रेबीज के वैक्सीन लगेंगे। काफी लोग पूछते हैं कि क्या पेट डॉग काटता है तो हमें रेबीज का वैक्सीन लेना है? मेरा जवाब है यस। इवन WHO और इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन में भी लिखा है कि वैक्सीनेटेड कुत्ता काटने के बाद भी आपको चांस नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। हाँ, अगर जो कुत्ता काटा है और उसके एंटीबॉडीज प्रेजेंट है रेबीज के, उसके ब्लड में ऐसा कोई रिपोर्ट आपके हाथ में है, तो आप रेबीज का वैक्सीन नहीं लेंगे तो चलेगा। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। सो पेट डॉग या वैक्सीनेटेड डॉग काटने के बाद भी आपको 4 रेबीज के वैक्सीन लेने जरूरी है। इसके अलावा जिस दिन कुत्ता काटा है उस दिन आपको रेबीज के अलावा टिटनेस का इंजेक्शन भी लेना जरूरी है। तो इन शॉर्ट, पहले दिन जब आपको कुत्ता काटता है या कोई जंगली जानवर काटता है तो एक हाथ में आपको टिटनेस का वैक्सीन लेना है और दूसरे हाथ में आपको रेबीज का वैक्सीन लेना है, और उसके बाद जो शेड्यूल है उसे फॉलो करना है। अब आपने ये 4 डोज वैक्सीन के ले लिए, उससे आपको रेबीज से प्रोटेक्शन मिलेगा। कब तक मिलेगा वो जानना जरूरी है। ज्यादातर जो डेटा हमारे सामने अवेलेबल है उसमें बताया जाता है कि जो रेबीज का वैक्सीन है वो कम से कम 10 साल तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर आपने ये 4 डोज का वैक्सीन ले लिया है तो अगले 10 साल तक आपको रेबीज से प्रोटेक्शन मिलेगा। बाय चांस अगले 10 साल में आपको कुत्ता काटता है वापस, तो आपको फिर से 4 डोज वैक्सीन के लेने की जरूरत नहीं है। जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जब दूसरी बार कुत्ता काटता है वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद, तो आपको सिर्फ 2 डोज लेने हैं। जिस दिन कुत्ता काटा उस दिन 1 डोज और 3rd दिन 2रा डोज। सिर्फ 2 डोज में आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। शर्त यह है कि पहले आपने 4 डोज का कंप्लीट वैक्सीनेशन रेबीज के खिलाफ किया। जो रेबीज का वैक्सीन है उसके ज्यादातर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज या फीडिंग मदर्स, इवन छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज या बुजुर्ग लोग या कैंसर के मरीज, एड्स के मरीज, अस्थमा के मरीज, ऐसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मतलब कोई भी रेबीज का वैक्सीन ले सकता है। जो लोगों को अगर रेबीज के वैक्सीन का आपको पहले रिएक्शन आया है तो ये एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आप रेबीज का वैक्सीन नहीं ले सकते, बाकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है रेबीज का वैक्सीन के लिए। सभी लोग रेबीज का वैक्सीन ले सकते हैं। जब कुत्ता काटता है तो जो घाव होता है वो घाव को कैसे केयर करना है, वुंड केयर जो डॉग बाइट का है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो घाव है जहां पे कुत्ते ने काटा है उसे अच्छी तरह पानी और साबुन से इमीडिएटली आपको धोना है। साबुन एक बहुत अच्छा चीज है जिससे जो रेबीज का वायरस है तुरंत घाव में मर सकता है। तो जो कुत्ते काटने का या बिल्ली काटने का जो घाव है उसे तुरंत आप पानी और साबुन से धो लीजिए, और उसके बाद आपके नजदीकी डॉक्टर को दिखा के उसका ड्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि उसको स्टिचेस नहीं लेना है पहले कुछ दिनों तक, क्योंकि जो हमें डर रहता है कि अगर घाव को हमने बंद कर दिया तो रेबीज का वायरस अंदर फैल सकता है। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं जिसमें घाव काफी बड़ा है और
उसे स्टिचेस लेने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है। लेकिन छोटे मोटे घाव को आपको स्टिचेस या टांके नहीं लेने हैं, उसे सिर्फ प्रेशर लगा के ब्लीडिंग स्टॉप करना है। काफी लोग पूछते हैं कि मुझे कुत्ता 3 दिन पहले काटा था लेकिन मुझे रेबीज का वैक्सीन नहीं मिला, तो क्या मैं आज ले सकता हूँ? यस, आप ले सकते हो। रेबीज का वैक्सीन जल्द से जल्द लेना जरूरी है, लेकिन अगर कुछ कारणवश आपको रेबीज का वैक्सीन नहीं मिलता है तो आप 2-3-4 दिन के बाद भी अपना कोर्स शुरू कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि जो रेबीज का वायरस है वो आपके घाव में से आपके ब्रेन तक पहुंच सकता है। स्पेशली अगर काटने वाला जानवर के मुंह में रेबीज के वायरस है तो वो आपके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और आपको रेबीज हो सकता है। तो हो सके उतना डिले नहीं करना है। जैसे ही डॉग बाइट या एनिमल बाइट होता है तो आपको तुरंत अपने आप को रेबीज का वैक्सीन लेके प्रोटेक्शन शुरू कर देना है। लेकिन इसमें भी आपको 100% गारंटी नहीं है। इसका कारण ये है कि रेबीज का वैक्सीन देने के बावजूद जो उससे इम्यूनिटी मिलती है या एंटीबॉडीज बनती है, उसे बनने के लिए कम से कम 7-10 दिन का समय जाता है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एक अलग इंजेक्शन है जो तुरंत आपको रेबीज से प्रोटेक्शन देगा। वो महंगा आता है और ज्यादातर जगह में नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में ही मिलता है। अगर घाव जो है वो गहरा है या बहुत जगह पे आपको घाव हुए है या तो फेस पे आपको जानवर ने काटा है, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं ये कैटेगरी 3 वाला बाइट है और इसमें कंपलसरी है कि रेबीज के वैक्सीन के अलावा रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन घाव के अंदर हमको इंजेक्शन के रूप में देना पड़ता है और वो जरूरी है। जो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आपको इमीडिएटली रेबीज वायरस से लड़ने की ताकत देगा। तो रेबीज वैक्सीन आपको 7-8 दिन के बाद प्रोटेक्शन देगा और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन आपको तुरंत उसी दिन रेबीज वायरस से लड़ने की ताकत देगा। तो ऐसे स्पेशल केसेस में जहां पे घाव ज्यादा है और फेस पे है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है कि आपको घाव में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेना चाहिए। एक और चीज आपको याद रखनी है वो है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब कुत्ता काटने से पहले ही आप अपने आप को रेबीज से बचा सकते हो। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे ज्यादा कुत्ते हैं और आपको कुत्ते काटने का या जानवर काटने का डर है, तो आप अपने आप को पहले से ही रेबीज से बचा सकते हो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेके। इसमें 3 इंजेक्शन का रेबीज वैक्सीन का डोज रहता है, जो पहले समझो आपने एक डोज आज लिया तो दूसरा डोज 7वें दिन पे लेना है और तीसरा डोज 21वें या 28वें दिन पे लेना है। अगर आपने एडवांस में ही ये 3 डोज ले लिए तो फ्यूचर में अगर आपको कुत्ता काटता है तो आपको सिर्फ बाकी के 2 डोज लेने की जरूरत पड़ेगी, जिस दिन कुत्ता काटता है उस दिन और 3रे दिन। ऐसे डॉक्टर मैं सभी को सलाह देता हूँ, इंडिया में स्पेशली जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स काफी ज्यादा है, तो आपको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना जरूरी है। उससे फायदा ये होगा कि फ्यूचर में बाय चांस अगर कुत्ता आपको काटता है तो आपको वापस पूरे डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 3 डोज ऑलरेडी एडवांस में ले लिए। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब 3 डोज का रेबीज वैक्सीन कोई भी ले सकता है। आपको कुत्ता काटने का वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आपके फैमिली डॉक्टर दे सकते हैं। जो रेबीज का वैक्सीन है वो ज्यादातर 300-500 रुपए का एक इंजेक्शन पड़ता है, तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हो। रेबीज के बारे में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल 1010 हेल्थ को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।